Dr. Supriya Arvari, practicing gynecologist and obstetrician for more than 20 years in Bhiwandi. Today I am going to talk to you about endometriosis. Endometriosis is a disease in women. औरतों में endometriosis नामक एक बीमारी पाई जाती है. बच्चादानी के अंदर की जो लाइनिंग रहती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम. जब ये लाइनिंग बच्चादानी के अंदर बढ़ने की बजाय बच्चादानी के बाहर के अन्य जगहों पे बढ़ती है उसको हम एंडोमेट्रियोसिस करके कहते हैं. अगर ये बच्चादानी के दीवारों में मतलब मस्कुलर वॉल्स में ग्रो होती है जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं तो इस बीमारी को एडिनोमायोसिस कहा जाता है. अगर बच्चादानी के अंदर की ये लाइनिंग या एंडोमेट्रियम बच्चादानी के बाहर उसके आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स में बढ़ता है जैसे ओवरीज में बढ़ता है उसको कहा जाता है चॉकलेट सिस्ट. ट्यूब्स को वो अफेक्ट कर सकता है जिसके वजह से पेट के अंदर के अन्य पुर्जे ट्यूब को आके चिपक सकते हैं. पेरिटोनियल कैविटी मतलब पेट के कोई भी हिस्से में एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है इवन डायफ्राम तक. अगर आपका कोई सर्जरी या ऑपरेशन पहले हुआ हो तो उसके घाव में भी आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है. ये कितना कॉमन है? 10% औरतों को एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है और हर उम्र की औरतों को हो सकता है. छोटी बच्चियों से लेके प्रौढ़ महिलाओं तक एंडोमेट्रियोसिस की शिकार हो सकते हैं. इसके अंदर जो मेन सिम्टम है पेन दर्द होना. आपको ये दर्द यूजुअली महावारी के दरम्यान होता है. पीरियड आने से एक दो दिन पहले दर्द शुरू होता है और जैसे जैसे पीरियड प्रोग्रेस होता है चौथे पांचवें छठे दिन तक दर्द रहता है. दर्द खत्म होता है धीरे धीरे जब पीरियड साफ हो जाता है लेकिन कुछ महिलाओं को पूरे महीने तक दर्द हो सकता है. किसी किसी को पेशाब या संडास करने में दर्द होता है तकलीफ होती है जिसको डिस्यूरिया एंड डिस्कीजिया कहा जाता है. कुछ महिलाओं को संबंध करते समय पेट में बहुत तेज दर्द होता है इसको हम कहते हैं डिस्पैरोनिया. तो ये अलग अलग तरह से दर्द होने पर हम डायग्नोसिस के लिए तरफ बढ़ते हैं कि क्या ये एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं. और एक प्रमुख सिम्टम एंडोमेट्रियोसिस का है इनफर्टिलिटी वांधत्व मतलब प्रेगनेंसी ना होना या बच्चा ना होना. जो औरतें प्रेग्नेंट होना चाहती है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती इनके अंदर 30-40% तादाद में एंडोमेट्रियोसिस पाया जा सकता है. तो इसको हम कैसे डायग्नोस करें? सोनोग्राफी से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं. अगर अच्छे सोनोग्राफी मशीन पे अच्छी तरह से सोनोग्राफी की जाए तो बहुत क्लियरली डायग्नोसिस समझता है. अगर डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो तो आप MRI भी करा सकते हैं. उसके साथ कुछ ब्लड टेस्ट रहती है जो हम कराते हैं. इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से होगी? मेडिकल मैनेजमेंट मतलब दवाइयों के जरिए या सर्जिकल मैनेजमेंट मतलब ऑपरेशन के जरिए. आजकल बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो यूजुअली हार्मोनल थेरेपीज रहती हैं. 1.5 से 2 महीना या 3 महीने तक आपको ट्रीटमेंट लेना है जिससे धीरे धीरे एंडोमेट्रियोसिस कम हो जाता है. अगर एंडोमेट्रियोसिस की तकलीफ दवाइयों से नहीं कम हो या आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको सर्जिकल मतलब ऑपरेशन तरीके से भी ट्रीटमेंट करनी जरूरी पड़ सकती है. आज की तारीख में हम ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से मतलब दूरबीन से करते हैं जिसे हम कहते हैं मिनिमल एक्सेस सर्जरी. दूरबीन डाल के बच्चादानी के आजू बाजू में जहां जहां एंडोमेट्रियोसिस के लीजेंस पाए जाते हैं उनको हम निकाल करते हैं. अगर ओवरी के आजू बाजू में चॉकलेट सिस्ट है तो उसको हम हटा देते हैं. पेरिटोनियल डिपॉजिट हो तो उसको जला देते हैं. अगर ट्यूब्स को अन्य हिस्से आके चिपक गए हो तो उसको कट करते हैं जिसको एडिजोलाइसिस कहा जाता है. ऑपरेशन के बाद कोशिश रहती है हमारी कि औरतों को तकलीफ दूर हो जाए. अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हो तो जैसे ही आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो आपको तुरंत प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए. अगर आप नेचुरली या मेडिसिन के द्वारा नहीं कंसीव हो रही हैं तो आपको शायद टेस्ट ट्यूब बेबी या जिसको हम बोलते हैं IVF वो करना पड़ सकता है. खासतौर से अगर ट्यूब्स आपके ब्लॉक हो गए हो तो. एंडोमेट्रियोसिस की खासियत यह है कि अगर आप उसको वक्त पे डायग्नोस करें तो उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है थोड़ा इजी हो जाता है. डिसीज का प्रोग्रेस होना हम रोक सकते हैं. तो इसलिए ये अवेयरनेस जरूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस एग्जैक्टली क्या है. अगर आप इस किसी तकलीफ से पीड़ित हो खासतौर से पीरियड्स के दरमियान दर्द है पेट में दर्द है ऐसे कोई भी सिम्टम हो तो तुरंत आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए. सो एवरीबडी बी हेल्दी बी सेफ. थैंक यू.